हेलो एंड वेलकम एवरीवन बच्चों आज हम लोग uh, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर से आपके और भी फर्दर चैप्टर्स कनेक्टेड रहेंगे एंड दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल थ्री यही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फाइनल अकाउंट्स दिस टर्म ये आप लोगों के लिए नया बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि क्लास इलेवन में भी हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया था लेकिन यहां पे देखने वाली यह बात है कि क्लास इलेवन में हमने जब फाइनल अकाउंट्स बनाया था तो यह हम लोग फाइनल अकाउंट्स बेसिकली हम लोग सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फॉर्म इस दोनों टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए थे सोल प्रनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज क्लास इलेवन में हमने जो फॉर्मेट सीखी थी क्लास इलेवन uh, में जो हमने फॉर्मेट सीखा था फाइनल अकाउंट्स का uh, वो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट uh, आपको सोल प्रपैटनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होगा सो ये क्लास uh, इलेवन में हमने डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है फाइनल अकाउंट्स और कुछ नहीं है बच्चों एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग जो भी हमारा पूरा अकाउंटिंग डेटा है हमने जो भी अकाउंट अकाउंट्स मेंटेन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन का उस अकाउंट्स के बलबूते पे उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन पे आना अपना परफॉर्मेंस को मेजर करना राइट जैसे कि आप जब क्लास एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हो तो आपके पूरे साल के जो परफॉर्मेंस होते हैं आपकी marks, आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म उसके बाद आपके फाइनल टर्म्स के मार्क्स सब मार्क्स को मिलाकर उसकी एवरेज करके ये देखा जाता है डिसाइड किया जाता है कि आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो कि नहीं सो बेसिकली क्लास सेवन का क्लास एट का परफॉर्मेंस आपका ये डिसाइड करता है कि आप क्लास नाइन में जा रहे हो कि नहीं क्लास नाइन के परफॉर्मेंस जो आपने थ्रू आउट द ईयर किया है एट द एंड ऑफ क्लास नाइन ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू विल बी गोइंग टू क्लास टेन और नॉट So, उसी तरह जिस तरह से आपका एज अ स्टूडेंट आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है और वो बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि फाइनल अकाउंट है ये सब हम लोग क्लास इलेवन में देखे हैं ना आपको याद होगा फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी ये हम लोगों का नया टॉपिक है आपको याद होगा कि आपने जो क्लास इलेवन में किया आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता था और उस ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते थे याद होगा आपको बट क्लास 12 में आप जो फाइनल अकाउंट बनाना सीखोगे वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का बनाना सीखोगे और इसीलिए ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिंस आप एक कंपनी का बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हो और आपको पता है बच्चों की कंपनीज के ऊपर में कंट्रोल स्टैट्यूटरी कंट्रोल बहुत सारा कंट्रोल रहता है और देरफोर कंपनी को बहुत सारी चीज एज पर गाइडलाइंस ऑफ द कंपनीउजेंड थर्टीन करना पड़ता है सो so, देरफोर यहां पर भी हम लोगों को एक uh, गाइडलाइंस एक फॉर्मेट के तहत हमें अपना ये फाइनल अकाउंट्स बनाना है कंपनी का बट स्टिल द लॉजिक विल रिमेन द सेम जो क्लास इलेवन में हमने एक सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के लिए जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा बट थोड़ा सा उसे हम लोग और ऑर्गेनाइज सोफेस्टिकेटेड मैनर में और उसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक डिटेल तरीका से हम लोग उसको बनाएंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते आर आर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा प्रिपेड एट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस उसके बाद आपका आता है फाइनल अकाउंट आपको अगर अकाउंटिंग साइकिल याद होगा तो आपका अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है जर्नल से उसके बाद हम लोग उसे क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट्स राइट सो दिस इज़ द द एंड ऑफ़ अकाउंटिंग प्रोसेस दैट्स व्हाई सेइंग एंड ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय एन एंटरप्राइज सो ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बनाया जाता है क्लियर

अगर हम लोग आगे बढ़े तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जो हम लोग क्लास इलेवन में भी सीखे थे जो क्लास इलेवन में जॉर्ज अकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं रहे उनके लिए ये फिर से एक एक नया चीज होगा और जो जॉर्ज अकेडमी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनके लिए रिविजन हो रहा है सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों इनकम स्टेटमेंट और पोजिशन स्टेटमेंट सो बेसिकली जब हम यहां पे पोजिशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम यहां बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं क्लियर बच्चों सो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं ना ये दो पार्ट बटा कैसे अगर आपको याद होगा ए इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर माइनस ई कुछ याद आ रहा है दिस इज दी अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड माइनस एक्सपेंसेस सो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग प्रॉफिट या लॉस कहते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस को कैपिटल के साथ क्या किया जाता है बच्चों एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलता है बैलेंस शीट में ए स्क्वल टू एल प्लस सी दिस इज व्हाट बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में दिखाया जाता है ए स्क्वल टू एल प्लस सी आर माइनस ई कहां पे दिखाया जाता है बच्चों इनकम स्टेटमेंट में सो इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्क्लोज करता है इनकम स्टेटमेंट ये मेरा नेट इनकम का डिटेल बताता है ये मेरा नेट इनकम डिस्क्लोज करता है ये मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मेरा ये डिस्क्लोज करता है इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में दैट इज व्हाट वी कॉल द बैलेंस शीट बैलेंस शीट में हम लोग प्रूव करते हैं हम लोग ये दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस के टोटल एसेट्स आर इक्वल टू माय टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल राइट और यहां पे जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का बीच का डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस वो उसे हम लोग कैपिटल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं प्रॉफिट होने से हम लोग कैपिटल के साथ ऐड करते हैं और लॉस होने से हम लोग कैपिटल के साथ कैपिटल से माइनस करते हैं सो so आपको याद होगा क्लास इलेवन में आप दो फाइनल अकाउंट्स में दो स्टेटमेंट बना रहे थे एक आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट और आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट नाउ यहां पर भी उसी तरह दो स्टेटमेंट बन रहा है रेवेन्यू स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएल और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट को तो मैंने पहले ही कहा दिया कि हम लोग इसे बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं अब बच्चों आपको यह बता दें कि आपको करना क्या है आपको करना यह है कि आपके क्लास ट्वेल्व के सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको नहीं बनाना है हालांकि इसका फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा क्योंकि आने वाला एक चैप्टर एक कॉमन एंड कॉम्पेरेटिव साइज स्टेटमेंट वहां पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना पड़ता है सिर्फ उसके पर्पस के लिए आपको यह फॉर्मेट सीखना पड़ेगा लेकिन एज सच आपके सिलेबस में आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने नहीं दिया जाएगा वो क्लास ट्वेल्व के सिलेबस में नहीं है आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना सीखना है हम लोग यहां पर आज हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है बच्चों हम लोग उसको सीखने वाले हैं सो so, बैलेंस शीट सीखने वाले हैं ये हमारा अभी एजेंडा में नहीं है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जस्ट सिर्फ उसी चैप्टर के पर्पस के लिए जितना जरूरत है उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे बट बैलेंस टू स्टडी इन वेरी वेरी डिटेल में देखेंगे ही बनाना है, अगर क्वेश्चन आते हैं सो कंपनी टू डू हिस्स ठीक है so, sheet, बच्चो सो so, किस कैसे बैलेंस शीट बनाना है उसका गाइडलाइंस दिया हुआ है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड शेड्यूल थ्री में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है और उस फॉर्मेट और उस गाइडलाइन के अंदर में रहते हुए उस गाइडलाइन के अनुसार ही हमें बैलेंस शीट बनाना है बच्चों इससे पहले कि हम आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेकर के जाए पहले हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट के जो कॉम्पोनेंट्स है दैट इज एल और सी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल करेंगे जानेंगे समझेंगे आज हम आपको कुछ फॉर्मेट बताने वाले नहीं है लेकिन फॉर्मेट में जो डेटा आएगा फॉर्मेट में जो कंपोनेंट्स आएंगे बैलेंस शीट के उस कंपोनेंट्स को आज हम लोग जानेंगे उस कंपोनेंट्स को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा एक बार आपको सीक्वेंस पता चल गया कि कैसे आपको अपना डेटा को प्रेजेंट करना है इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन शेड्यूल थ्री हमें एक फॉर्मेट देता है कंपनीज एक्ट हमें एक फॉर्मेट एक तरीका बताता है जिस तरीका से हमें अपने कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल का डिस्क्लोज करना है जिसे जिस तरीका से डिस्क्लोज करना है या जिस तरीका से प्रेजेंट करना है सो बेसिकली प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल को किस तरह से दिखाया जाए उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा यह फॉर्मेट होगा बट फॉर्मेट हम लोग बाद में देखेंगे उससे पहले तो हम लोग कुछ पहले बेसिक्स अपना रिवाइज करें क्लास इलेवन में जो हमने किया था थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज करना जरूरी है उसके बाद ही हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे ठीक है बच्चों तो चलिए आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट अब आपको पता है कि बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है ये आपके सामने बैलेंस शीट में दिस इज वॉट इट इज प्रूव एसेट्स आर इक्वल टू िटीज एंड कैपिटल बिजनेस में कंपनी में जो किसी भी वक्त जो भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल होगा हमेशा एल एन एल प्लस सी इज टू ए दिस इज बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट में यही प्रूव करते हैं तो बच्चों चलिए थोड़ा सा हम लोग अपना क्लास इलेवन के नॉलेज को रिवाइज करें राइट right? एसेट्स क्या होता है अब ये क्लास ट्वेल्व के एंड में आके आपको ये बताना थोड़ा सा मेरे लिए भी हम है बट फिर भी हम आपको बता दें उन बच्चों के लिए अगर जो भूल चुके कि एसेट्स क्या होता है एसेट्स बेसिकली वो आ, चीज है वो एसेट्स आर दो थिंग्स जो बिजनेस को जो कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किसी भी तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट कमा कर देता है एसेट्स आपके वो रिसोर्सेस है जो आपको बिजनेस को बिजनेस को रन करने में मदद करता है एसेट्स वो रिसोर्सेस है जिस से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने की रेवेन्यू कमाने की ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है सो so, हर वो चीज आज मैं जिस कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कैमरा मेरे लिए एसेट है ये माइक मेरे लिए एसेट है क्यों क्योंकि इस इक्विपमेंट के जरिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो आप तक पहुंचेगा ये बच्चों के, आप लोगों के तक पहुंचेगा और आप लोगों के पास इस वीडियो को उस लेवल में उस स्टैंडर्ड में पहुंचाने के लिए मुझे ये कैमरा और माइक चाहिए ताकि आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से समझ सको वीडियो क्वालिटी होनी अच्छी चाहिए माइक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको मेरा वॉइस मेरा आपको आवाज क्लियर क्लियर मिले राइट right. सो so, ये मेरे लिए ऐसे क्योंकि इससे जब वीडियो की क्वालिटी अच्छा होगी आप लोग मेरे वीडियो देखेंगे देखेंगे और भी बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे तो इससे क्या होगा जॉर्ज एकेडमी में नए एनरोलमेंट्स होंगे मुझे फीस कलेक्शन होगा आप मेरे वीडियो सेटिस्फाइड होंगे आप मेरे क्लासेस सेटिस्फाइड होंगे तभी जाकर के आप मेरे को फीस दीजिएगा राइट सो दिस थिंग्स आर हेल्पिंग मी टू अर्न रेवेन्यू

और व्हाट इज कैपिटल कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स कंट्रीब्यूशन नाउ यहां पे थोड़ा सा हम समझाएंगे ओनर्स कंट्रीब्यूशन इसे आपको याद होगा ओनर्स कंट्रीब्यूशन या ओनर्स हम लोग इसे इक्विटी के भी नाम से जानते हैं सो ओनर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ओनर ने मालिक ने जो भी अपना पर्सनल अपने प्राइवेट फंड से प्राइवेट पॉकेट से प्राइवेट मनी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसने जो अपने अपने पैसे से या अपने एसेट्स उसने जो बिजनेस में डाला है उनका सारा इन्वेस्टमेंट मालिक का इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली कैपिटल पूंजी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूंजी राइट अब ये हम लोग मत बोल कि हम लोग यहां पे कंपनीज बैलेंस शीट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक को हम लोग प्रोप्राइटर कहते थे ओनर कहते थे पार्टनरशिप फॉर्म में मालिक को हम लोग पार्टनर के नाम से जानते थे या भी बोल सकते थे। आपको याद आपको, जिसके बाद जो आप देखोगे उसमें आपको यह चीज समझ में आएगा शेयर होल्डर्स और इनफैक्ट आपने इससे पहले शेयर्स चैप्टर किया है बच्चों हम लोगों ने एक चैप्टर किया था इश्यू ऑफ शेयर्स उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी में किस तरह से कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड होता है अमंग इट्स ओनर्स जो उस कंपनी के शेयर कैपिटल में अपने हिस्सेदारी रखते हैं जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं राइट उसे हम लोग शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं सो so देरफोर बच्चों ये कहना नहीं गलत नहीं होगा कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी भी बोल सकते हैं और एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड क्योंकि शेयर होल्डर ने जो भी फंड डाला है शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ बच्चों ओनर मालिक फंड का मतलब क्या हुआ बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन जो ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ओनर का फंड डाला हुआ है सो so देरफोर हम लोग कंपनी में इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे कंपनी बैलेंस शीट में टर्म में यहां पे हम लोग लिखेंगे एसेड स्कूल टू लेबिलिटी प्लस कैपिटल ने लिख करके हम लोग लिखेंगे बच्चों एसेड स्कूल टू लेबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड ओनर का नाम है शेयर होल्डर एंड वेयर होल्डर ओनर जो कंट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर का फंड है राइट सो यहां पर हम लोग कंपनी बैलेंस शीट में हमारा इक्वेशन होगा ए एसेट्स आर इक्वल टू एल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड राइट अब आगे बढ़ते हुए एसेट्स दो प्रकार के होते हैं आपको पता होगा एक नॉन करेंट और एक करेंट ये बेसिक दो मेजर सेग्रीगेशन है एसेट्स का तो कंपनीज बैलेंस शीट जिस फॉर्मेट में हमें बनाना है हमें जो कंपनीज एक्ट की जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है कंपनीज एक्ट हमें कहता है कि देखिए भाई साहब आप जब अपना बैलेंस शीट बनाओगे और जब आप अपने बैलेंस शीट का चिट्ठा दोगे डिटेल्स दोगे बैलेंस शीट में अपने एसेट्स और कैपिटल का तो थोड़ा सा आप मेरा बात मान लेना कि मैं जिस तरीका से आपको बोल रहा हूं डिटेल्स देने के लिए आप उसी तरीका से डिटेल्स देना यह कौन कह रहा है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन सो कंपनीज उसेंड 2013 शेड्यूल थ्री बोलता है कि आप जब अपने एसेट्स का डिटेलिंग करोगे तो काइंडली आप अपने एसेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करिए ठीक है भाई कर देते हैं और उसने यह भी कह दिया कि वो दो ग्रुप कौन सा होगा पहला ग्रुप होगा नॉन करेंट एसेट्स का और दूसरा ग्रुप होगा करेंट एसेट्स का राइट right? अब फर्दर वो बताता है कि जब आप अपने नॉन करेंट एसेट्स को डिटेल करोगे तो उसके अंदर में आप सब ग्रुप्स बनेंगे और उसी तरह जब करेंट एसेट्स के अंदर में और आगे जाके सब ग्रुप कुछ और स्मॉलर ग्रुप बन सकते हैं इससे पहले कि हम आपको नॉन करेंट और करेंट एसेट्स के डिटेल में जाएं, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चों नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट के बीच में डिफरेंस है कि नॉन करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसका बेनिफिट सिर्फ उसी ईयर सिर्फ एक करंट ईयर जिस करंट ईयर में जिस ईयर में वो अक्वायर किया गया है जिस ईयर में वो खरीदा गया है उसका बेनिफिट सिर्फ उसी ईयर तक सीमित नहीं होता है अगर 2020 में हमने एक एसेट खरीदा है 2021 में मैंने एक एसेट खरीदा है तो उसका बेनिफिट सिर्फ 2021 तक सीमित नहीं है उसका बेनिफिट 2021 के बाद भी होगा बेसिकली ये होता है नॉन करेंट एसेट्स जिसका बेनिफिट कंपनी को एक साल से ज्यादा तक का मिलता है पांच साल दस साल पंद्रह साल का बेनिफिट मिलता है करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर या वन करंट अकाउंटिंग ईयर तक सीमित रहता है जिस साल वो एसेट जनरेट हुआ उसका बेनिफिट उसी साल तक ही सीमित रहेगा मैक्सिमम एक साल तक सीमित रहेगा उससे ज्यादा सीमित नहीं रहेगा क्लियर है सो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट को हम लोग टाइम के बेसिस में डिफरशियट किए नॉन करेंट एसेट वो एसेट है जिसका जिसका बेनिफिट बेनिफिट साल साल से ज्यादा तक तक है asset asset है तक है और एसेट एसेट वो आपको मैक्सिमम मिलता अब कंपनीज एक्ट 2013 आपको यही बोलता है कि जब आप अपने एसेट्स का डिटेलिंग कर रहे हो तो आप अपने नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स का डिटेलिंग अलग अलग करिए दोनों को खिचड़ी मत करिएगा क्लियर है अब आ जाते हैं हम लोग अपने नॉन करेंट एसेट्स में तो नॉन एसेट्स में हमें सबसे पहला जो कैटेगरी सबसे पहला ग्रुप है वो है हमारा फिक्स्ड एसेट्स सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हमारा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है बच्चों फिक्स्ड एसेट्स देखिए फिक्स एसेट वो एसेट्स फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके पास रहेगा जिसका बेनिफिट आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक जैसे फाइव इयर्स, टेन इयर्स, फिफ्टीन इयर्स तक आपको मिलेगा जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर उसके एक लाइफ होता है राइट जिली मूवेबल नहीं होते हैं और इजिली कैश में कन्वर्ट भी नहीं होते हैं। थोड़ा सा समय लगता है सो कैश में कन्वर्ट होने के लिए सो नॉन एसेट के अंदर में सबसे पहला नॉन करेंट एसेट जो सबसे पहला टाइप ऑफ नॉन करेंट एसेट होता है वो होता है फिक्सड एसेट अब फिक्स एसेट भी चार प्रकार के हो सकते हैं ए बी सी डी पहला ऐसा फिक्स एसेट्स जिसे आप छू सकते हैं और दे सकते हैं बहुत सारे एसेट्स हैं आपके ज्यादातर आपके सारे एसेट जो होते हैं प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड फर्नीचर मोटर व्हीकल इस सब के सब फिक्स एसेट्स है और एट द सेम टाइम आप उसे देख सकते हैं और छू सकते हैं तो उसे हम लोग टैंजीबल के नाम से जानते हैं टेंजिबल एसेट्स और जिसे आप नहीं देख सकते नहीं छू सकते उसे हम इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानेंगे राइट सो टेंजिबल और टिबल ऐसा कौन सा एसेट है जिसे हम लोग नहीं देख सकते नहीं छू सकते गुडविल पेटेंट्स ट्रेडमार्क ब्रांड कॉपीराइट दिस आर ऑल इन एसेट्स अब हो सकता है कभी कभी कि कुछ एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो जैसे बिल्डिंग अभी बन रहा है प्लांट एक नया प्लांट बैठ रहा है इंस्टॉल हो रहा है नया मशीनरी अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीशन स्टेज में नहीं पहुंचा है, कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन तो भी एसेट्स का हमें डिटेलिंग करना है और ऐसे एसेट्स को हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और जिस तरह से ये मतलब बेसिकली ये वो टेंजिबल एसेट्स है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिस तरह से टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन उसी तरह टेंजिबल एसेट भी अंडर डेवलपमेंट हो सकता है मैंने कोई नया आविष्कार किया मैंने कुछ इनोवेशन किया हमारा कंपनी ने और हमने उस कंपनी का हमने जो हमारे कंपनी ने जिस चीज का इनोवेशन किया है उस इनोवेशन का उसका फॉर्मूला को हमने पेटेंट कराने के लिए अभी अप्लाई की है मुझे पेटेंट मिला नहीं है अभी हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है राइट right? सो so, इस तरह के एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट Under development. एक singer, एक musician गाना compose करता है और म्यूजिक कंपोज हो जाने के बाद जब वो उस कंपोजिशन का कॉपीराइट अपने पास रखना चाहता है ताकि कोई दूसरे को इसको कॉपी ना कर पाए क्लियर तो जब वो कॉपीराइट के लिए भी अप्लाई किया है क्योंकि वो तो तो आपको लीगल प्रोटेक्शन लेना पड़ता है ना कानूनी तौर पे आपको प्रोटेक्शन मिलता है कि आपका चीज को कोई दूसरा कोई कॉपी नहीं करेगा यह आपका इंटेलेक्चुअल है यह आपका मेहनत आपके टैलेंट से आपने बनाया है राइट right? तो ये रातों रात आपको कॉपीराइट नहीं मिलता आपने ये भी अप्लाई किया है आपने मांगा है यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुडविल आप आप राइट यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड पेटेंट ट्रेडमार्क सो दीज आर टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट सो देरफोर नॉन करेंट एसेट के अंदर में सबसे पहले आया फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग का हर कंपनी में हर में होता ही होता है बिना एसेट्स का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। टेबल, जिस चेयर पे मैं, करके, जिस में करके मैं ये कंप्यूटर स्क्रीन कैमरा ये मेरे लिए इक्विपमेंट्स ये, 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 ये सब मेरे लिए फिक्स एसेट्स है और इसे मैं देख सकता हूं छू सकता हूं मेरे लिए टेंजिबल है क्लियर एक और स्टूडियो मेरा बन रहा है जिसमें मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा अभी, अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की है क्योंकि स्टूडियो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है स्टूडियो बन रहा है दैट दैट इज इज अंडर कंस्ट्रक्शन सो कैपिटल कैपिटल वर्क वर्क इन 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 प्रोग्रेस प्रोग्रेस क्लियर सब वीडियोस को जो मैं बना रहा हूं मैं इस वीडियोस का कॉपीराइट लूंगा ताकि दूसरे को इसको कॉपी ना करे तो ये कॉपीराइट राइट एसेट होगा मेरे लिए जैसे ही मुझे कॉपीराइट मिलेगा समझ में आ रहा है बच्चों सो so, आपको इस तरह से डिटेलिंग देना है कि नॉन करेंट एसेट के अंदर में पहला फिक्स्ड फिक्स के अंदर में क्या किया चार टैंजिबल इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन एसेट अंडर डेवलपमेंट नेक्स्ट कंपनीज अपने पैसों को अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करती है कभी कभी दूसरी और कि, किसी और के भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है मतलब जब आप किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा डालते हो जब आप किसी कंपनी के डेवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो आपका कंपनी आप किसी और के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट आपकी जो कंपनी है राइट right, आपकी कंपनी का पैसा किसी और के कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी और के कंपनी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं आपके कंपनी के पैसा से इस तरह के हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो शेड्यूल थ्री ये बोलता है कि भाई आपने जो पैसा अपना एसेट्स में डाला वो तो मेरे को समझ में आ गया टेंजिबल इंटेंजिबल सब ठीक है आप अप मेरे को यह बताइए कि आपने अपने पैसों को और कहां इन्वेस्टमेंट करके रखा है so therefore, जो next category होता है वो होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट राइट सुरफोर आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा कि कितने सारे कहां कहां आपका इन्वेस्टमेंट है कितना इन्वेस्टमेंट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बच्चों इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए किया गया है जो एक साल के बाद ही मच्योर होगा आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा है फॉर फाइव इयर्स। आपने पांच साल का होल्डिंग पीरियड रखा है आप चार साल के होल्डिंग पीरियड रखे आप उसे तुरंत बेचने वाले नहीं है सो दैट टाइप आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपने किसी कंपनी का डेवेंचर खरीदा है जो रिडीम होगा पांच साल बाद सो यू आर यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन द डेवेंचर्स ऑफ सम अदर कंपनी फॉर फाइव ईयर्स वो क्या हो गया बच्चों नॉन ट इन्वेस्टमेंट इसके अलावा एक और एसेट है बच्चों बच्चो टैक्स एसेट नेट ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग इस पर डिस्कस नहीं इसे छोड़ करके हम लोग सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं जब हम फॉर्मेट देंगे तो फॉर्मेट में हम ये डीजे आपको बताएंगे टैक्स एसेट नेट क्या होता है इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट एसेट जो होता है नॉन करेंट के अंदर में वो होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से हम लोग कंपनी लेते हम कंपनी लोन्स लेती है उसी तरह कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी लोन देगा भी लोन किसी को आगे एडवांस लोन्स एडवांसेस देते भी है कंपनी सो ये जो हम लोग ने जो लोन दिया है ये लोन हमारे लिए एसेट है क्योंकि इस लोन पे पहला तो हमको रेवेन्यू जनरेट होगा कैसे उस पर इंटरेस्ट लेंगे सेकेंड ये पैसा हमको वापस फ्यूचर में हमको मिलेगा सो so, हम जो लोन देते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होता है सो कंपनी एक्ट आपको ये भी बोलता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है दस साल पांच साल के लिए किसी को लोन दे करके कर रखे हुए तो उस लोन का भी आपको यहां पे डिटेलिंग देना है सो देखिए सिंपल है नॉन करेंट एसेट्स में आपको बोला जा रहा है कि पहले आप अपना फिक्स एसेट्स के बारे में बताएं फिक्स एसेट्स के अंदर में चार कैटेगरी को रखा गया है टेंजिबल इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डेफर टैक्स एसेट नेट नंबर फोर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अगर ऐसा और कुछ एसेट्स है जो ये अब कैटेगरीज में नहीं जा रहा है तो उसे एक और कैटेगरी में डाल दो जिसका नाम है अदर नॉन एसेट्स जिसका नाम है इसी प्रकार से आपको अपना एसेट्स का प्रेजेंटेशन करना है बैलेंस शीट में तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स याद रखिएगा एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है नॉन करेंट और करेंट नॉन करेंट में सबसे पहले आता है फिक्स फिक्स के अंदर में आता है इन टिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन एसेट अंडर डेवलपमेंट नंबर टू पे है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट उसके बाद अगर आपने किसी को लॉन्ग टर्म डेफर्ट टैक्स एसेट है ऑब्वियसली इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आ, उसके बाद अगर आपने किसी को लोन दिया कंपनी ने किसी को लोन दिया लॉन्ग टर्म लोन इन एडवास और नेक्स्ट अगर अगर ऐसा कुछ एसेट मिल जाए आपको जो इन किसी कैटेगरी में नहीं जा रहा है तो फिर वो अदर नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में चला जाएगा तो ये तो रहा नॉन करेंट एसेट्स का अब आ जाता है करेंट एसेट्स तो करेंट एसेट्स राइट करेंट एसेट्स में आपको ये वाला कैटेगरी नहीं मिलेगा टेंजिबल और इन क्योंकि जो भी चीज आप छू सक रहे हैं क्लियर देख सक रहे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कैश को छोड़ करके जो पैसा हो तो उसको भी छू सकते देख सकते कैश करंट एसेट्स के अंदर में आता है कैश को छोड़ करके अगर आप देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी का तो आपको ये सब के सब फिक्स एसेट्स हो जाते हैं तो करंट एसेट्स हमारा शुरू होता है सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट से करंट so एसेट के अंदर में जो सबसे पहले आएगा वो है करेंट इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कंपनी का डेवेंचर्स खरीदा है और वो कंपनी का डेवेंचर्स रिडीम होगा पांच साल बाद इसका मतलब ये है कि हमने जो पैसा डाला है कंपनी में मैंने उस कंपनी में, में मान लो मैंने उस कंपनी में पांच साल के लिए पैसा डाला है और वो हो गया लॉन्ग टर्म मान लीजिए मैंने एक और कंपनी में डेवेंचर खरीदा लेकिन उस कंपनी का डेवेंचर छह महीना में रिडीम हो जाएगा, जाएगा। बारह महीना के अंदर रिडीम हो जाएगा मतलब क्योंकि बारह महीना से कम पीरियड के लिए किया गया है करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट करंट है इन्वेंटरीज जिस भी चीज का आपका पास इन्वेंटरीज है रॉमरियल्स के इन्वेंट्रीज स्टॉक रॉ मेटेरियल्स के अलावा भी कुछ लूज टूल्स होते हैं उनके भी इन्वेंटरीज होते हैं हमारे पास तो जो भी स्टॉक्स है आपके पास उसका आपको ब्यौरा देना है उसका डिटेलिंग करना है इन्वेंटरीज का उसके बाद करेंट एसेट्स में आता है ट्रेड रिसिवेबल्स जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं बच्चों ट्रेड रिसिवेबल्स आपके ट्रेड के चलते जो आपको पैसा मिलने वाला है आपके सेल्स के चलते आपके ट्रेड के चलते जो पैसा आपको रिसीवेबल है फ्यूचर में उसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं एग्जाम्पल डेटर और बिल्स रिसीवेबल ये दो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर में आता है ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद आपका नेक्स्ट करेंट एसेट्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश इन हैंड कैश इन बैंक कैश इक्विवेलेंट जैसा मतलब बच्चों जो कैश जैसा है जो कैश का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो तुरंत एकदम तुरंत नेक्स्ट टू कैश है मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है कैश तो नहीं है बल्कि कैश जैसा है इसलिए कैश इक्वी बोल रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज वो शेयर्स जो तुरंत हम लोग उसे बेच सकते हैं आज आप कंपनी के शेयर खरीद कर रखे हुए उस कंपनी के शेयर को जब चाहे तुरंत आप स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हो पैसा तुरंत योर कैश कैश इक्विवेलेंट जैसा ही है वो कैश जैसा ही वो so, के में cash cash, uh, उसके बाद uh, आपको, आपको मिलता है बच्चों शॉर्ट टर्म लोन एडवांस जिस तरह से यहां पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लोन था उसी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी होगा हो सकता है कि हमने किसी को पैसा दिया है बल, बट उसको मैंने कहा कि भैया तू छह महीना के अंदर पैसा वापस कर देना तू चार महीना में, में मेरे को पैसा वापस कर देना तो ये आप शॉर्ट टर्म बेसिस में लोन दिया और जो इस कोई कैटेगरी में फिट नहीं हुआ वो एक कैटेगरी में आएगा जिसका नाम होगा अदर करेंट एसेट्स

सो so, इस तरह से बच्चों आपको नॉन करेंट और आपको करंट एसेट्स का ब्योरा देना है राइट right? समझ में आया सो so, ये हमारा हो गया नॉन करेंट और करेंट नेक्स्ट लाइबिलिटी लाइबिलिटीज में भी हमारा दो तरीका का है लाइबिलिटीज दो कैटेगरी में डिवाइड करने बोला जाता है हमें नॉन करेंट और करेंट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम नॉन करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जिसे पे करने के लिए समय मेरे पास एक साल से ज्यादा है मिनिमम चार साल पांच साल दस साल का होता है मेरे पास लाइबिलिटी टाइम

That is long टर्म borrowing. बच्चों बोरविंग दो तरीके का हो सकता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब आपने डेवेंचर इश्यू किया और आप कंपनी ने कहा कि मैं इस डेवेंचर को चार साल बाद रिडीम करूंगा मतलब मैंने जो भी पैसा लिया है डेवेंचर होल्डर से मैं वो पैसा पांच साल बाद वापस करूंगा मैंने बैंक से लोन लिया है वो मैं दस साल बाद वापस करूंगा लॉन्ग टर्म बोरविंग बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने डिबेंचर इश्यू किया बारह महीना के अंदर मैं रिडीम करूंगा मैंने जो लोन लिया मैं बारह महीना के अंदर पेमेंट करूंगा दैट इज योर करेंट लाइबिलिटी और वो हो जाता है शॉर्ट टर्म बोर जिस तरह से लॉन्ग टर्म है बच्चों उसी तरह से शॉर्ट टर्म बोर हो जाएगा क्लियर लॉन्ग टर्म बोरइंग और शॉर्ट टर्म बोर नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म और करेंट में शॉर्ट टर्म बोरिंग नॉन करेंट में लॉन्ग टर्म बोरइंग के बाद यहां पे आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट राइट इसे हम जैसे मैंने कहा डेफर्ड टैक्स एसेट को नहीं देखा अभी तक इसे और उसे हम लोग एक साथ देखेंगे ठीक है अभी छोड़ देते हैं उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और So बच्चों आपको पता होगा प्रोविजन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन याद है हाँ सो प्रोविजन लॉन्ग टर्म बेसिस में हमने जो प्रोविजन रखा है मतलब मान लीजिए आपने अमते आपने अपने किसी अपने अपने एम्प्लॉइज के ऊपर में राइट जैसे उनका होता है ना प्रोविजन फॉर कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ के प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज कंपनसेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब तक एसेट्स है तब तक डेप्रिसिएशन चल रहा है प्रोविजन चल रहा है दिस आर ऑल लॉन्ग टर्म प्रोविजन उसी तरह जिस तरह से लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है बच्चों उसी तरह से शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होते हैं उसी तरह से शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होता है, है जैसे प्रोविजन फॉर डेटर्स डेटस करेंट एसेट उस पर जो हमने प्रोविजन रखा है राइट वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर में आता है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका करेंट लाइबिलिटी के अंदर में आ जाएगा और लॉन्ग करेंट लाइबिलिटी में सो आपका बन गया लॉन्ग टर्म बॉर्विंग डेफर्ट टैक्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन और जो कहीं फिट नहीं हुआ वो कहां पर फिट हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज करेंट लाइबिलिटीज़ में हमने बताया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बता दिया है बच्चों शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट करेंट लाइबिलिटी आता है वो आपका होता है ट्रेड पेबल्स जिस तरह से क्रेटर्स और बिल्स पेबल जैसे आस में ट्रेड रिसिवल्स था यहाँ पे ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स के बाद यहां पे आएगा, आएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज अदर के एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीजैंड एक्सपेंसिस है जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो ऐसा एक्सपेंसेस को जो आउटस्टैंडिंग है उसे आप लोग अदर करेंट लाइबिलिटी में डालेंगे क्योंकि ना वो बोरिंग है ना वो ट्रेड पेबल है ना वो प्रोविजन है सो so, वो कहां पे चला जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा कहां पे चला जाएगा बच्चों

अब आपको याद होगा शेयर कैपिटल दो प्रकार के होंगे इक्विटी और प्रेफरेंस so, दोनों ही हमारे शेयर फंड में इंक्लूड होगा शेयर कैपिटल के साथ साथ हम लोग इसमें ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस देखिए बच्चों ओनर आपको समझना पड़ेगा ओनर का फंड का बात कर रहे हैं सो so, ओनर का फंड हमने ओनर ने जो पैसा डाला है वो तो ओनर का फंड है बट इवन वो प्रॉफिट्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए है जो रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो रिजर्व में पड़े हुए हैं फ्री रिजर्व जो है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस सरप्लस प्रॉफिट सॉरी नॉट सरप्लस प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस में पड़ा हुआ है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी प्रॉफिट पड़े हुए हैं जो आपको सरप्लस जिस हम लोग कहते हैं सो ये प्रॉफिट्स में प्रोपराइटर का मालिक का हक होता है ये मत भूलना जब क्लास इलेवन में आप लोग बैलेंस शीट कर रहे थे मैंने इस क्लास के शुरुआत में आपको बताया था यहां पे अगर आपको याद होगा कि देखिए मैंने कहा था कि ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस जो होता है वो कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है प्रॉफिट या लॉस बस बच्चों उसी तरह यहां पर भी सेम फंडा है शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि यहां पे प्रॉफिट्स के साथ साथ जनरल रिजर्व भी रहेगा और भी बाकी सारे फ्री रिजर्व रहेंगे जो प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट होकर के जो रिजर्व क्रिएट हुए हैं उन सब पे भी मालिक का हक है क्योंकि याद होगा क्लास इलेवन में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो किस तरह से कैपिटल में प्रॉफिट को एड करते थे उसी तरह से यहां पर भी हम लोग कैपिटल में अपने प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे अक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस करेंगे जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे क्योंकि वो सब रिजर्व्स जो फ्री रिजर्व्स है मतलब वो रिजर्व्स जो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होके बना है अगर वो नहीं बनता तो वो डिविडेंड के रूप में बढ़ जाता मालिकों के बीच में शेयर होल्डर्स के बीच में वो सारे रिजर्व्स पे मालिक का हक है इसलिए जब हम लोग शेयर होल्डर फंड में सिर्फ उनका कैपिटल ही नहीं बल्कि हम लोग रिजर्व सरप्लस को भी लेते हैं सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये बेसिकली बच्चों शेयर होल्डर फंड में आता है राइट right? इसके अलावा एक और चीज है मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉरेंट ये भी आपका शेयर होल्डर फंड में आता है मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वॉरेंट्स बच्चों इस पे हम लोग आज चर्चा नहीं कर रहे हैं सो so, आज हम लोग इस पर चर्चा नहीं किए और हम लोगों ने चर्चा नहीं किया डेफर्ड टैक्स पे एसेट अलेबिलिटी ये दो नई चीजें इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे जब हम आपको फॉर्मेट बताएंगे तब बट इसके अलावा मैंने एसेट्स के सारे आइटम्स िटीज और कैपिटल मैंने शेयर होल्डर्स फंड के सारे आइटम्स को डिस्कस कर लिए हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेलिंग में भी जाएंगे बट आज आपको बेसिक आइडिया देना था कि बैलेंस शीट में करना क्या है अभी तक हम लोग ने जो भी ये डेटा लिखा है बच्चों बस यही डेटा यही कंटेंट है आपका बैलेंस शीट का यही कंपोनेंट है आपका बैलेंस शीट का इसी को हमें एक फॉर्मेट में बैठाना है और कुछ नहीं करना है वर्टिकल फॉर्मेट में इसे डाल देना है और आपका बैलेंस शीट बनकर तैयार हम लोगों ने आज नाइन परसेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जितना भी था बैलेंस शीट में जो भी डेटा आता है हम लोगों ने सारे आइटम्स को डिस्कस कर लिया है बारिंग दिस वन टू बिकॉज इसे हम नेक्स्ट क्लास लेना चाहते हैं आज का क्लास को हम ज्यादा हेवी नहीं करना चाहते सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ऑन अपकमिंग वीडियो राइट सो याद रखना मुद्दा वही है

uh, feel free to get in touch with me we will meet in the next class और next class में बच्चों हम लोग format में जाएंगे और ये जो एक दो items आज जो हमने नहीं कराया वो हम उस next class में cover करने वाले हैं so till then take care and bye bye